ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੋ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਲਾ? ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਕਹਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਿ ਧੀਏ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਘਰ ਪੇ ਰਹੋ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਮੌਜੇ ਕਰੋ, ਤਭੀ ਤੁਮ ਹਮੇ ਪੋਤੇ ਕੀ ਨਵੀਦ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾ ਸਕੋਗੀ ਨਾ। ਐਸਾ ਨਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪੋਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਦਿਲ ਮੇ ਰੱਖੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਕਬਰ ਮੇ ਉਤਰ ਜਾਊ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੰਮੀ, ਲੈ ਪਾਣੀ ਪੀਏ। ਪਰ ਰੱਖ ਦੇ ਵੇ, ਆਈ ਵੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਐਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ यार, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मुराद के आते ही उसकी अम्मी ने किस तरह अपनी टोन बदली है, मतलब इतनी जल्दी। आई एम श्योर ये उनका कोई नया प्लान है। वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, इस वजह से इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो रही इस दफा। मन्नत, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुमने अब अगर जॉब कंटिन्यू की तो तुम्हारी एब्सेंस का फायदा उठा के कोई नया मसला क्रिएट कर सकती है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो तुम क्या चाहती हो, मैं घर पे बैठ के मक्खियां मारूं, बोर होती रहूं, या बकौल आंटी के मैं उनके लिए पोतों की लाइन लगा दूं? क्योंकि अपेरेंटली वो पोतियों का तो नाम नहीं सुनना चाहती। यार मन्नत, ये सारी सासें जो होती हैं इसी किस्म की होती हैं। पोते पोतियां हो जाने के बाद बहुओं से भी प्यार करने लगती है, सो जस्ट इग्नोर हर फॉर अ वाइल। इतनी ढीठ नहीं हूं मैं, इन सब बातों को छोड़ दो मन्नत। इतने दिनों से मुंह क्यों बनाया हुआ है? तुमने मना कर दिया ना, नहीं गई ऑफिस। नहीं, बस टाइम की रिजाइन तो नहीं किया ना। तो तुम क्या चाहते हो, मैं आम औरतों की तरह घर में बैठ के बच्चे पालूं? आम औरत? तुमसे किसने कहा कि घर से बाहर निकल के काम करने वाली औरत ही खास होती है? औरत वही खास कहलाती है जो हर हाल में सब्र शुक्र करके अपने शौहर के हालात के साथ एडजस्ट करे। कर दी ना तुमने वही टिपिकल मर्दों वाली घटिया बात। उसे कितनी बार कहा है मैं, ये मत भूला करो मैं तुम्हारा शौहर हूं, थोड़ी इज्जत कर लो। तो अगर शौहर इस किस्म की बात करेगा तो बात को घटिया नहीं कह सकती? तुम्हें घटिया थोड़ी कहा है मैंने। अगर मेरी अम्मी सुन ले कि तुम अपने मजाजी खुदा से किस तरह से बात। मजाजी खुदा? इस मिजाजी खुदा की जो उसकी अम्मी आए दिन दुर्गत बना रही होती है वो मैंने देखी है। सिर्फ कान पकड़ना और तुम्हें मुर्गा बनाना रह गया है। रहने दो, मैंने देखा है तुम्हारी क्या इज्जत है इस घर में। काश तुम ना थोड़ी सी तमीज भी सीख के आई होती अपने घर से। ठीक है, अगर अभी मुझ में तमीज नहीं है तो चली जाती हूँ मैं बड़े भैया के घर वापस। जब सीख जाऊंगी तब आ जाऊंगी। हाँ, तुम्हें तो बहाना चाहिए अपने बड़े भैया के घर चक्कर लगाने का। सिर्फ चक्कर ही लगाती हूँ ना, डेरा तो नहीं डाल लेती तुम्हारी बहनों की तरह? फिर वही बहस शुरू कर दी है तुमने। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। क्या हो गया यार मुझे, मैं क्यों टिपिकल बीवियों वाले इतने गंदे ताने देने लग गई हूँ? क्या कर दिया है इस घर ने मुझे।
डिस्टर्ब तो नहीं किया भाभी? नहीं नहीं बताओ। आप मुझे ना कपड़े दे रहे हैं। कौन से चाहिए निकाल लो। पहनने को नहीं चाहिए, वो मैंने मशीन लगाई है ना, तो सोचा आपसे भी पूछ लूं, अगर मेले कपड़े हैं तो जल्दी से दे दें। है तो, लेकिन मेरे कपड़े तुम क्यों धोगी? एक काम करती हूँ, मैं नीचे लेकर आती हूँ, आई विल हेल्प यू। चलें ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है? ठीक है, आ रही हूँ। अम्मी, एक रिश्ता देखा है फजीलतबाजी के लिए, शौकत का दोस्त है, कुछ करता कराता भी है लड़का, ये शौकत की तरह चारपाइयां ही तोड़ता रहता है। अम्मी अभी चार दिन पहले इतरत ने मुझे ताना मारा, अब आप ताना मार रही हैं। मैंने कौन सा कोई अपनी मर्जी से शौकत से शादी की थी? आप ही को बड़ा शौक था अपने सगे भतीजे के साथ बचपन में मेरी शादी तय कर दी। चल बस कर दे हुन, हर वक्त तुम मलका जज्बात ही बनी रहती हो। काम की बात करो, क्या करता है लड़का बताओ? अभी तक तो कुछ नहीं करता, शादी के बाद मैं रात से कह के उसको कोई दुकान शुकान डलवा देंगे। ऐसे क्या देख रही हैं? अपनी जात बरादरी का है और शौकत ने गारंटी दी है। मैं तो कहती हूँ अब सर से टालें फजीलत बाजी को, लड़के की कोई खास डिमांड भी नहीं है, शुक्र करें कोई रिश्ता आया है, और जहेज के बदले में लड़के ने रोजगार मांगा है, कुछ गलत तो नहीं कहा? शौकत भाई का दोस्त है तो उनके जैसा ही होगा, और अगर उन्होंने भी 2 महीने के अंदर अंदर दुकान डुबो दी तो शौकत भाई का वजन कुछ कम थोड़ी है हमारी जिंदगी में कि उनके जैसे और इकट्ठे कर लिया। शक्ल देखिए, ये जो 2 गज लंबी जुबान है ना तेरी, ये मैंने खींच के रख देनी है। फजीलत बाजी के तो फिर इक्का दुक्का रिश्ते आ जाते हैं ना, तू 2 साल बैठी रही, एक भी नहीं आना। अल्लाह ना करे, नहीं बहन के लिए ऐसी बातें नहीं करते हैं। और अम्मी, इसको अपनी बहू से भी बचा लें। आपकी बहू इसे पट्टियां पढ़ा रही थी कि तू भी नौकरी कर ले, कर कर। अम्मी आप समझा लें नुदरत आप ही को, हर बार भाभी को बीच में लेकर आती है। निगी चल अंदर, मैं क्या अंदर चल, मैं कह रही हूं। निगी सही तो कह रही है, एक बेकार आदमी से शादी कराने से तो बेहतर है कि शादी ना ही हो। अगर शादी के बाद भी भाई ने ही सारी जिम्मेदारियां उठानी है तो फिर तो वो यही अच्छी है। क्या हुआ है तुम्हें? मैंने आपसे कहा था ना, नुसरत आप ही और शौकत भाई एक एक करके हम कुछ घर से बाहर निकाल देना चाहते हैं। क्या कह रही हो तुम? मुझे पता है तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है, यही ना कि इस घर का सारा खर्चा तुम्हारा खावंद उठाता है। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारा खावंद वो बाद में है, पहले हमारा भाई है। मुराद की कमाई पे हम सब बहनों का इतना ही हक है जितना तुम्हारा। जी ठीक कह रही हैं आप, आपका हक है, लेकिन बहन होने के नाते आपको भी तो अपने भाई पर पड़ी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अगर वो ऐसे ही सबका ख्याल करता रहेगा तो शौकत भाई कब मेहनत करेंगे, वो कब सोचेंगे आपका और आपके बच्चों के फ्यूचर का? अम्मी इधर, तुमने देखा ना, सुने ना ये क्या कह रही थी, जब से ही औरत इस घर पे आई है दोबारा तुम मैं कहीं पर आया हो गया, सारा दिन हमें मुफ्त की रोटियां तोड़ने के ताने देती रहती है। से पूछो
अपना क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? किस चीज की दुश्मनी लगाई है हमसे? पूछो। क्या हो गया मन्नत, क्यों कर रही हो इस तरह? मुराद, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ समझा रही थी। कौन होती हो समझाने वाली? उसके दूध के दांत टूट रहे हैं जो तुमने समझाना था। पहले तुम मुझे ताने दे देकर मेरी आंखों में से खून के आंसू निकलवाती रहती हो, अब तुम मेरी बेटियों के पीछे पड़ गई हो, हैं? ठीक है, भेज देती हूँ मैंने। अगर आप इन्हें भेज देंगी तो इसमें इन्हीं की ही भलाई है आंटी। मैं अभी शौकत को फोन करती हूँ, मैंने नहीं रहना यहाँ पे। शौकत, यार जानी मैं तेरे नाल चलनी हूँ। इसीलिए तू चुप है ना, तू ये चाहता है कि हम सारी यहाँ दफा हो मर जाए। पुत्र जड़ी तो सारे टूटे चित्र दरा के दो रोटियां देना ना, ओदे दी मांग के भी खा सकनी आ। अम्मी खुदा का वास्ता ऐसी बातें मत करें। इतने इतने छोटे छोटे चिड़िया बोट कितने ने जब तुम्हारे अबू जी की वफात हो गई थी, मैंने क्या क्या मेहनती मजदूरियां करके सख्तियां काट के तुम लोगों को पाला इस दिन के लिए, इस दिन के लिए मैंने देखा तो ये लाला को अम्मी देखने के लिए। माफी मांगो। माफी मांगो मेरी अम्मी और बाजी से अभी और इसी वक्त। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैं सिर्फ वो तेरी खैर। ओ ओ पो 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 जी, ओ की हो गया पो पो जी, ओ पो पो जी खैर, पो पो। अम्मी, अम्मी आंख खोल। अम्मी उठे ना। अम्मी, अम्मी जी, अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, यार मुराद नबस चेक कर, नबस चल रही है? चल रही है। अम्मी, और आज शराफत अंकल को फोन करो ना। कुछ नहीं हुआ, अम्मी को भी होश आ जाएगा। ये दो चार छींटों से कुछ नहीं होना निकी, एक काम कर पूरा का पूरा पानी का जग डाल दे इनके ऊपर, ये पानी से भी कुछ नहीं होना। एक काम करो जोरदार थप्पड़ लगाओ फुप्पो जी को। यार शौकत भाई चुप कर जाए। थप्पड़ किसने मारा है? अम्मी, अम्मी जी, अम्मी, अम्मी, पानी से पानी। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? बेहोश हो गई। कुछ नहीं हुआ, बस ठीक है, लेटे लेटे। अम्मी फिर वही बात, मैं इसलिए आपके पास आके नहीं रुकना चाह रहा था। मैं भी दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुमने तो मुझे कहा था यू रेडी टू मूव ऑन, उस बात का क्या हुआ? मैं इस मौजू पे मज़ीद बात नहीं करना चाहता। मैं इस मौजू पे बात करना चाहती हूँ, मेरा हक है। मेरे अलावा कौन है जिसको तुम्हारी इतनी फिक्र है? मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई लड़की नहीं पसंद ना तो बस ठीक है, कल से मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दूंगी, दैट्स इट। आपी अगले 2 से 3 सालों तक शादी का कोई सीन ही नहीं है, जब तक मेरा पाकिस्तान में बिजनेस ही सेटअप हो जाता।
क्या बिजनेस सेटल होने का शादी से क्या ताल्लुक है? शादी से खुशी का क्या ताल्लुक है? मेरी बात सुनो तुम। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ मन्नत, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? What? बेहोश तो होना ही था। खानदान की इज्जत, खानदान की पग गिर कर टुकड़े टुकड़े हो गई है। ये हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। खुदा के वास्ते शौकत भाई, आप कुछ देर तो चुप कर जाएं। आपको दिख नहीं रहा अम्मी की तबीयत कितनी खराब है? खानदान की पक्की पड़ी रहती है। मन्नत ने हमारे इकलौते भाई के मुंह पे चपेड़ मारी है, वो भी हमारी आंखों के सामने, और तुम कहती हो खामोश हो जाएं। हाँ तो बोली जाओ। पप्पो जी, ऐसा सलूक तो आपकी बेटी ने कभी मेरे साथ नहीं किया जो मन्नत ने मुराद के साथ कर दिया है। क्या अभी तक सोई रही है? जी वो उठे जी, मैंने दोबारा चला दिया। ये तुमने क्या किया? और क्या क्या किया तुमने? ड्राइंग कर रहे। मुझे तो लगता है कि मेके वालों ने ना जबरदस्ती भेजा है, ये वापस आना ही नहीं चाहती थी। इसकी हरकतों से ही लग रहा है कि लैदा होना चाहती है। भला बताओ, इतनी जोर से सबके सामने मुराद को कस के चमाट मारी है, अकेले घर में न जाने क्या कुछ करेगी? मन्नत ने ना मुराद पे हाथ उठा के अपनी नफरत का इजहार कर दिया। पुप्पो जी, और आप बिल्कुल ठीक कहती थी, वो इसके साथ रहना ही नहीं चाहती है। नहीं तो फसाया क्यों तुम रात को शादी के लिए? सारी दुनिया जानती है कि लव मैरिज है, अब इतनी नफरत हो गई एकदम के मुंह पे चपेड़ ही मार दिए। खुदा जाने ये वक्त भी देखना रह गया, क्या जमाना आ गया। अम्मी को तो। अम्मी। फजीलत तुम तो अब कुछ बोलो। सारा दिन तो तुम दोनों की आंखें टुकुर 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 चलती रहती है, अब कैसे सबके मुंह को ताले लग गए? एक से मुझे भी खिला दे। मेरी दुआ है कि आने वाली जिंदगी का हर पल आपके लिए बहुत खुशगवार साबित हो। आप हमारे ये मामूली से तकाजे भी पूरे नहीं कर सकते? 40-50 लाख रुपए का सामान होगा, ये पैसे आएंगे कहाँ से? मैं यहाँ अपना बेटा ब्याहने आई हूँ और हस्ब मंशा पजीर आई ना मिली तो बारात दुल्हन के बगैर भी वापस जा सकती है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए मेरे हाथ में बारात बगैर दुल्हन के वापस जाएगी। मैं अभी इसी वक्त करीम का हाथ थामना चाहता। इतनी जोर से सबके सामने मुराद को कस के चमाट मारी है, अकेले घर में न जाने क्या कुछ करेगी? मन्नत ने ना मुराद पे हाथ उठा के अपनी नफरत का इजहार कर दिया। पुप्पो जी, वो इसके साथ रहना ही नहीं चाहती है। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैं सिर्फ
फोन भी बंद जा रहा है। क्या क्या रही थी वो? रो रही थी बहुत। कॉल करें उसे? कर रही हूँ, बंद जा रहा है। मुराद को कॉल करें। उसी से तो लड़ाई हुई है। क्या हुआ? पता नहीं, they were having a heated argument और मुराद ने मन्नत के मुंह पे थप्पड़ मार। थप्पड़ मार दिए? लगता तो नहीं है ऐसा। वो यार तुम मेरे साथ चलोगे? मैं अभी आदिल और भैया को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती। हाँ, मैं let me just get my things। तुम्हें मैंने कहा था ना मेरे घर वालों के सामने तमीज से पेश आना। तुम उनके सामने मेरे साथ जो चाहे सलूक करो, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जानबूझकर नहीं किया मैंने, तुम्हारी ही बातों पर गुस्सा आया था। तो मैंने कौन सा जानबूझकर किया है? मुझे गुस्सा नहीं आ सकता? नहीं, तुम बीवी हो मेरी। औरत इस तरह खुल के अपने गुस्से और प्यार का इजहार नहीं कर सकती मन्नत। क्यों क्यों नहीं कर सकती मुराद? और बीबी तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? तुम्हारे भाई का नहीं, तुम्हारे शौहर का घर है। यानी ये मेरा घर नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुमने ना हम दोनों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मुझे मेरे घर वालों के सामने ना मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम मुझे उनके सामने थप्पड़ मारो तो फखर की बात है, मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया तो शर्मिंदगी की? तुमने तो कहा था कि तुम मर्द और औरत की बराबरी में यकीन रखते हो। हाँ मैंने कहा था, मैं अब भी इस बात पर कायम, लेकिन इस घर का माहौल फर्क है। अपने घर में मर्द और औरत की बराबरी पे यकीन नहीं रखते ना? ये बोलो, बाहर जाकर झूठे नारेबाजी क्यों करते हो? Enough is enough। मैं तंग आ गया तुम्हारी रोज रोज की बहस। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुम्हारी इन स्टूपिड बातों की वजह से मेरी बहनों पर क्या असर पड़ रहा है? आजादी आजादी आजादी, कितनी चाहिए आजादी तुम्हें? किस चीज की पाबंदी है तुम पर? ना तुम्हारे खाने पर, ना तुम्हारे पीने पर, ना तुम्हारे बाहर जाने पर। आज साफ साफ कौन मन्नत, तुम्हें हमारा रिश्ता बोझ लगने लगा। पछता रही हो तुम मुझसे शादी करके, और इसका सबूत तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार कर दिया है। शाम ढले कभी मिलकर बैठे, आंखों से हो गुफ्तगू, चुप रह कर हम सब कुछ कह दे, हो जाए जो रूबरू, हो जाए जो रूबरू, तुमको पाकर हम खो जाए, खुद की हो फिर जुस्तजू, खुद की हो फिर जुस्तजू, दिल हारा तुझ पे दिल हारा, मेरा मुझ मैं कुछ ना रहा, तुझ पे सब वारा, दिल हारा।
बट अनफॉर्चुनेटली इस घर की टेंशनों की वजह से मेरा दिमाग इतना सुन हो चुका है कि मैं ना अपने भाई की बात सुन सकी, ना मैं उसको कोई मशवरा दे सकी, उसका मसला ही नहीं हल कर सकी मैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हें एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ कि मैं अपने भाई के साथ बाहर क्यों गई। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने तुम्हारी फैमिली को बताया था व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन अस राइट नाउ। मैं नहीं गुजार सकती हूँ ऐसी जिंदगी मुराद। चुप कर जाओ यार, अब ऐसे भी मैंने कुछ नहीं कहा। मुराद यही सारा मसला है, जो तुम्हारे लिए सही है वो मेरे लिए गलत है यार। क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि किसी के भी दरमियान में आने से हम लड़ पड़ेंगे? ये सवाल खुद से भी पूछ मन। हम दोनों को इस बारे में सोचना हो, अगर एक बार फिर सेपरेशन हो गई तो शायद वापसी का रास्ता ना बचे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पप्पू जी मन्नत के घर वाले आए हैं उसे लेने के लिए। ओ आप लेटे रहो, आराम करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको हम संभाल लेंगे। चला जा नुसरत, जल्दी आ जा। एक चपेड़ की मार थी, मैं आई देख के। क्या हुआ? यू के फोन कर दिया था, परेशान हो गई। ठीक हो क्या? हो गया मन्नत, ऐसा कौन सा जुल्म का पार टूट पड़ा तुम पे जो मेके से बुला के गले लग लग के रो रही हो? उसने मुझे नहीं बुलाया, हमारी फोन पे बात हो रही थी, फोन एकदम कट गया। जाहिर है मैं घबरा गई तो उसकी खैरियत पता करने आई। तो भाभी आपके सामने हैं, आप देखने बिल्कुल ठीक ही तो हैं। ना तो हम जालिम है ना आपकी लड़की मजलूम है, और आपको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो अपनी तरबियत पे भरोसा होना चाहिए ना, क्योंकि मन्नत अपना हिसाब किताब फौरन माशाल्लाह से चुकता करना जानती है। आप बिना वजह ताने क्यों मार रहे हैं? हमारी बच्ची है, हम जाहिर है उसकी खैरियत पता करने आ सकते हैं, हक है हमारा। और जहां तक रही तरबियत की बात, तो आपके भाई ने जो अपनी बीवी पे हाथ उठा के अपनी आला तरबियत का सबूत दिया, उसके बाद आप हमें ताने ना ही मारें तो बेहतर है। देखिए आप प्लीज आराम से बात करें, हम भी कैसे मैं आराम से बात करूं? आप ये चुका करें कि इसके भाइयों को नहीं पता, अगर वो घर पे होते और उनको इस बात की भिनक तक पड़ जाती ना, तो आपको अंदाजा नहीं है कि उन्होंने करना क्या था। तो क्या कर लेते, आकर मुराद को दो चार लगा के हिसाब चुकता कर लेते। भाभी जी आपकी बेटी ने तो वो नौबत ही नहीं आने दी, उसने तो पहले ही अपने मिजाजी खुदा को चमाट मार कर अपने थप्पड़ का बदला ले लिया है। क्या? हाँ। जी हाँ, इसने सबसे पहले अपने खामत को सबके सामने जलील किया है। मेरी माँ उधर बेहोश पड़ी है सदमे से, देखें
हम इज्जतदार लोग हैं, हमारे लिए इज्जत और गैरत ही सारा कुछ है। बीवी अपने खामत को उसकी मां और बहनों के सामने चुपेड़े मारे, ऐसा तुम्हारे खानदान में नहीं होता। मुराद ने मुझे पहले थप्पड़ मारा, ये तो आपके सामने हुआ था ना, इस बात पर तो सबको फखर है। मैंने थप्पड़ मार दिया तो कौन सी अनहोनी कर दी है मैंने? देख रही हैं आप। मन्नत खामोश हो जाओ, बात को आगे मत बढ़ाओ। मैं नहीं, ये लोग बात को आगे बढ़ा रहे हैं भाभी। मुराद ने मुझे पहले थप्पड़ मारा, जवाब में मैंने भी मार दिया, बात खत्म। मैं जानू, मुराद जाने, आप लोग क्यों बात को इतना उछाल रहे हैं? हम लोग ऐसा नहीं पूछे, अंदर सारी आवाजें जा रही है, अम्मी की तबीयत फिर से खराब है। अरे अम्मी, क्या हुआ अम्मी को? मन्नत, ये तुमने क्या किया? अभी मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन क्या एक औरत गलती नहीं कर सकती गुस्से में आकर? सारी समझ, सारे कॉम्प्रोमाइजेस एक लड़की से क्यों एक्सपेक्टेड है? पूछो ना मेरे दिल से, क्या हाल है, नजर मिली जब उनसे, बेहाल है उसकी एक झलक, मेरी जान ले गई, भीनी भीनी महक दास्तां कह गई, दास्तां कह गई, दिल हारा तुझ पे दिल हारा, मेरा मुझ में कुछ ना रहा, तुझ पे सब वारा। टूटे तारों को देखा तो तुमको पल पल याद किया, जिसने मेरे दिल को छीना उसने ही बर्बाद किया, उसने ही बर्बाद किया, जिस तरह से छोड़ा तुमने रस्म वफा को याद किया, रस्म वफा को याद किया, दिल हारा तुझ पे दिल हारा, मेरा मुझ में कुछ ना रहा, तुझ पे सब